यो डिजिटल अल्टीमेट सब सभी का स्वागत है पोकेमॉन एडवेंचर्स रेड चैप्टर के एक और नए एपिसोड में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और पिछले एपिसोड में हमने चैलेंज किया था प्यूटर सिटी के जिम लीडर ब्रॉक को और हमने उसे हरा भी दिया और हमें मिला इस गेम का पहला जिम बैच द बोल्डर बैच। और उसके बाद हमने मिस्ट्री की मदद की और फिर हमने प्रोफेसर ओक से बात किया तो प्रोफेसर ओक ने हमें कहा कि हमें जाना पड़ेगा माउंट मून में क्योंकि वहां पे टीम रॉकेट आ चुकी है तो हमें जाना पड़ेगा और टीम रॉकेट से फाइट करना पड़ेगा। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं माउंट मून और ये क्या हुआ, व्हाट इज इट? आई एम गोइंग विद यू। व्हाट? डोंट गेट मी रॉन्ग, आई नीड टू गो थ्रू माउंट मून एनीवे टू गेट बैक होम एंड आई माइट बी एबल टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टीम रॉकेट। वेट, यू आर नॉट। I'll be okay. I'm a water Pokemon expert. The name's Misty, the flower of Cerulean City. Now let's go. Whoa, somebody's there. Wait a minute. Those uniforms, they are the same one worn by the guys back in Pallet Forest. Is that Team Rocket? I think so. These jerks are everywhere. Our mission is to find the Moonstone. Quick, into the cave. ओके तो ये लोग ढूंढ रहे हैं मूनस्टोन तो हमें जाना पड़ेगा माउंट मून में और इन्हें रोकना पड़ेगा। तो चलो गाइस चलते हैं, हमारे साथ मिस्टी भी है। तो ये रहा एंट्रेंस माउंट मून का, तो चलो चल के देखते हैं अंदर। ओके तो ये रहा माउंट मून, काफ़ी बदला है। पोकेमॉन फायर रेड में अलग था और यहाँ पर अलग है। और यहाँ पर हमारा एनकाउंटर हो चुका है, जियोडूड आ चुका है यहाँ पर। तो मैं जियोडूड या फिर जो यहाँ के पोकेमॉन्स होंगे मैं पकड़ने नहीं वाला। गाइस आप लोग बताओ मैं कौन से पोकेमॉन को अपनी टीम में ऐड करूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। आई थिंक जो मांगा में रेड के पास टीम होती है शायद से मुझे वही टीम को ऐड करना चाहिए। तो देखते गाइस आगे सब कुछ पता चलने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास रैपल्स नहीं है तो इसलिए एनकाउंटर झेलना पड़ेगा हमें, बट कोई नहीं। ओ क्लिफेरी, ओ क्लिफेरी। तो यहाँ आगे चल के देखते गाइस, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, काफ़ी सारे रास्ते हैं। तो यहाँ पे एक और जियो रूट आ चुका है। तो यार मेरे पास कुछ रैपल्स होने चाहिए थे यार, बहुत काम आता है यहाँ पे। लेकिन पोकेमार्ट में आप रैपल्स अभी तक तो नहीं खरीद सकते इस गेम में, देखते फ्यूचर में हो सकता है आ जाए। तो यहाँ पे एक पोकी बॉल है, देखते इसमें क्या है। ओके तो TM24 मिल चुका है जिसमें थंडर बोल्ट है। वाओ तो थंडर बोल्ट तो डेफिनेटली मैं वर्ड्स को सिखाऊंगा यानी पिकाचू को, क्योंकि थंडर बोल्ट एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक टाइप मूव है और हमारे वर्ड्स के पास उतना अच्छा इलेक्ट्रिक मूव नहीं है। है एक वोल्ट टैकल लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज उसी को मिलता है, तो इसलिए मैं थंडर बोल्ट सिखाऊंगा इसे। और यहाँ पे देखते कौन सा मूव मुझे रिमूव करना चाहिए। तो यहाँ पे आई थिंक वोल्ट टैकल काम का है, स्लैम काम का है, थंडर वेव काम का है। तो क्विक अटैक को हम रिमूव कर देते हैं। क्विक अटैक वैसे ज़रूरी है, पिकाचू का बहुत स्पेशल अटैक है क्विक अटैक, क्योंकि पिकाचू का स्पीड काफ़ी अच्छा है। तो मैंने लेकिन रिमूव कर दिया यार, कोई नहीं। ओ बैटल होगा गाइज यहाँ पे। तो गाइज पता नहीं इसने इतनी दूर से कैसे देख लिया, बट बैटल करना पड़ेगा। तो चलो गाइज बैटल करते इससे। ओके तो काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग हो गया यहाँ पे। तो चलो चलते हैं आगे, काफ़ी सारे रास्ते हैं यहाँ पे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं गुम हो जाऊँ। तो यहाँ पे एक पोकी बॉल मिला लेकिन उससे पहले एक एनकाउंटर हो गया जू बैट का। तो यहाँ पे मैं स्किप करता हूँ, यहाँ से मेरे पास रैपल्स होते ना यार बहुत ही बढ़िया होता। अभी तक पोकी मार्ट में रैपल खरीदने का ऑप्शन नहीं आया। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है मूनस्टोन। वाओ तो टीम रॉकेट मूनस्टोन ढूंढने आई थी लेकिन हमें ही मिल चुका है मूनस्टोन, ये तो मस्त चीज़ हो गया। और यहाँ पे हमें मिल चुका है कैल्शियम, अब हम अपने हड्डियों को मजबूत कर पाएंगे। यस तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे कौन कौन मिलता है हमें। मुझे टीम रॉकेट को ढूंढना है और उन्हें बर्बाद करना है, जी हाँ। तो चलो चलते हैं, लेकिन यार ये एनकाउंटर्स मुझे जाने देंगे तब ना मैं जाऊँगा। काफ़ी यार काफ़ी दिक्कत होने वाली है गाइज। एंड वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ यार। मुझे विंटर सीजन बहुत ही ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। मुझे गर्म कपड़े पहनना और गर्मा गर्म खाना खाना तो किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है भाई, सबको पसंद है। तो यहाँ पे गाइज आगे चलते हैं और लगता है एक बैटल होने वाला है, तो चलो गाइज बैटल करते हैं इससे। ओके तो हमने जीत हासिल कर ली, तो अब चलते हैं आगे। तो एज मैं कह रहा था कि मुझे विंटर सीजन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्यों पसंद है, मेन कारण तो यही है कि मुझे गर्मा गर्म खाना मिलता है। और साथ ही साथ मुझे विंटर सीजन इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे स्किन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक्चुअली मेरा ऑयली स्किन है तो विंटर में ऑयली स्किन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है क्योंकि विंटर में ड्राई हो जाता है।
मैं पता नहीं क्यों किसी फिटनेस यूट्यूबर की तरह बात कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट एनीवेज। और हाँ, विंटर सीजन का एक फ़ायदा है कि आप बैडमिंटन जब चाहे तब खेल सकते हो, समर सीजन में नहीं खेल सकते, विंटर सीजन में खेल सकते हो, और मैं खेलता भी हूँ। एंड पता नहीं क्यों मुझे क्रिकेट से ज़्यादा बैडमिंटन खेलने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे गाइस एक बैटल होने वाला, तो चलो बैटल करते हैं गाइस। ओके, तो इसने काफी डैमेज दिया मेरे हैजर्ड को, तो यहाँ पे आ चुका है परस आ चुका है यहाँ पे परस। तो यहाँ पे मैं स्केप करता हूँ यहाँ से। और यार टीम रॉकेट मिल ही नहीं रही, मुझे क्यों लग रहा है मैं गलत जगह जा रहा हूँ। अगर मैं गलत जगह जा रहा हूँ तो शायद से मुझे घूम के वापस वहीं जाना पड़ेगा। तो ओ भाई कुछ मिला। गैस्प, टीम रॉकेट, क्विक हाइड। टास्क, वेयर इज दैट मूनस्टोन? नॉट टू लाउड, दिस इज अ सीक्रेट मिशन, रिमेंबर? लेट्स सी इफ समवन डस फाइंड आउट, देन वी विल हैव टू यूज एक्सट्रीम फोर्स। प्रोफेसर ओक इज राइट, दे आर लुकिंग फॉर द मूनस्टोन। ओके गाइस, तो चलो चलते टीम रॉकेट के पीछे। तो हमें सुराग मिल चुका है। जैसे मैंने कहा कि मुझे टीम रॉकेट नहीं मिल रही, तो वैसे हमें टीम रॉकेट मिल गए। और यहाँ पे हमें मिल चुका है बिग मशरूम। तो मशरूम को मैं क्या करूँ, अपने सर पे लगाऊँ क्या? तो यहाँ पे एक सीढ़ी है, और हम यहाँ पहले जाके देखते हैं जहाँ पे क्लिफेरी भी है। तो यहाँ पे यार एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं यार, शिट। ओ ये क्या है, सेरेपी? वाह, ये काफ़ी रेयर है ना, मतलब बहुत कम टाइम मैंने इसे देखा है। सेरेपी या क्या बोलते हैं इसे, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सेरेपी शायद। तो यहाँ पे भाई ये कौन सा रास्ता है? तो यहाँ पे पोकी बॉल है, तो देखते पोकी बॉल में क्या है। स्टारडस्ट से क्या होता है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। शायद से ये मुझे काफ़ी बार मिल चुका है काफ़ी सारे गेम्स में, लेकिन मैंने कभी चेक नहीं किया कि इससे होता क्या एक्चुअली। वैसे यार देखो, जब भी आपको कोई सामान मिलता है पोकेमोन गेम्स में, बहुत कम ऐसा सामान होता है जो आप यूज़ करते हो, क्योंकि स्टारडस्ट या बिग मशरूम ये कभी मैं यूज़ करने नहीं वाला। हो सकता है अगर यूज़फुल साबित हुआ तो मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगा इसे, लेकिन मोस्टली मैं इन्हें यूज़ नहीं करने वाला, राइट? तो यही होता है यार, काफ़ी ऐसे चीज़ें होती हैं जो यूज़फुल होता है लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं करता, और सिर्फ मैं ही नहीं, काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं एक अलग ही एरिया में। तो यहाँ पे पोके बॉल है, देखते इसमें क्या है। रेयर कैंडी, चलो ये कुछ सही चीज़ मिला हमें। अब मैं अपने एक पोकेमोन का लेवल इंक्रीज़ कर पाऊँगा तो सही है, बट हमें अभी जाना है आगे और टीम रॉकेट को ढूंढना है। लेकिन यहाँ पे टीम रॉकेट तो नहीं मिले यार मुझे, तो शायद हमें इधर जाना पड़ेगा। ओह यहाँ पे शायद एक टीम रॉकेट का बंदा दिखा मुझे। तो लगता है गाइज यहाँ पे बैटल होने वाला है, तो यहाँ पे मैं पहले रन करता हूँ यहाँ से। ओके तो यहाँ पे गाइज लगता है कि एक बैटल होने वाला है, तो चलो बैटल करते हैं। मैं इसे स्किप करूँगा, ठीक है? ओके, तो मैंने इसे हरा दिया, तो अब चलते हैं आगे और एक और बैटल। तो चलो गाइज बैटल करते हैं इस लड़के या लड़की से। ओके गाइज, मैंने हरा दिया टीम रॉकेट ग्रंट को, और ये एक लड़का है ना कि लड़की। मुझे लगा कि एक लड़की है क्योंकि इसके पिंक कलर के बाल थे, बट एनीवेज चलते हैं हम आगे। और यहाँ पे एक पोकी बॉल है, देखते इसमें क्या है। टाइनी मशरूम, तो हमारे पास बिग मशरूम एंड टाइनी मशरूम दोनों हैं। तो यहाँ पे एक बैटल होने वाला है गाइज। आगे मैंने देखा एक टीम रॉकेट का बंदा था, तो यहाँ पे पहले हम स्केप करते हैं इस पैरस से, उसके बाद हमें बैटल करना पड़ेगा उस टीम रॉकेट के ग्रंट से। तो चलो गाइज बैटल करते हैं इससे। ओके गाइज, तो हमने यहाँ भी जीत हासिल कर ली। और ये एक लड़की थी, इसके भी पिंक कलर के बाल थे लेकिन ये एक लड़की थी। और हाँ, एक चीज़ दिखाना भूल गया आपको कि हमारे हैजर्ड ने एक बहुत ही अच्छा मूव सीखा है गाइज, जो कि है बबल बीम, जिसका पावर है 65 एंड एक्यूरेसी 100। गाइज मैंने वाटर गन को रिमूव कर दिया क्योंकि वाटर गन का पावर 40 था और इसका पावर 65, तो मुझे पावर्स के साथ जाना है आगे, तो इसलिए मैंने उसे रिमूव कर दिया। तो अब चलते हैं आगे गाइज। और एक चीज़ मैं सोच रहा था कि मैंने अपने चैनल पे रिसेंटली एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है जो कि है पोकेमोन अनबाउंड। तो उसके एपिसोड्स मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन एडवेंचर्स रेड चैप्टर खेलूँ और एक दिन मैं खेलूँ पोकेमोन अनबाउंड, क्योंकि दोनों ही गेम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। पोकेमोन अनबाउंड तो बहुत मस्त है और पोकेमोन एडवेंचर्स रेड चैप्टर को क्या कहना ही है। तो यहाँ पे लगता है गाइस एक और बैटल, तो चलो बैटल करते गाइस।
या जीत गए गाइस हम। अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या होने वाला है। अरे यार एनकाउंटर्स, कितने सारे एनकाउंटर्स होने वाले हैं यार। मैं पक गया हूँ एनकाउंटर से। मेरे पास रैपल नहीं है ना यार, रैपल होते तो मैं रैपल मार मार के चलता, फिर एक भी एनकाउंटर नहीं मिलता। बट कोई नहीं गाइस, हम चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओ ये वही जगह है जहाँ पे हमें मिला था आई थिंक एक रेयर कैंडी। हाँ ये वही जगह है गाइस। तो यहाँ पे बस एक रॉक था जिसके सहारे हम ब्लॉक हो गए थे वहाँ पे, लेकिन हम आ चुके हैं बाहर और यहाँ पे हमें मिल चुका है रैपल। यस फाइनली रैपल मिल चुका है, लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि सिर्फ एक ही रैपल है। मैं बाद में इमरजेंसी के लिए इसे रख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कभी इससे भी ज़्यादा टफ सिचुएशन आ जाए, तो रैपल मैं अभी यूज़ नहीं करने वाला। तो यहाँ पे हैजर्ड का एचपी काफ़ी कम है, बट मेरे पास पोशंस भी है, लेकिन मैं थोड़ा कंजूस हूँ ना यार, इसलिए मैं यूज़ नहीं करने वाला। तो यहाँ पे गाइस चलते हैं यहाँ से आगे, और आगे भी बंदे। ओ गाइस यहाँ पे तो ऊपर बंदे यार, अगर मैं नीचे से निकलूँगा तो ये लोग नहीं देखेंगे ना मुझे, या देख लेंगे। चलो चल के देखते हैं। ओ पकड़ लिया। हा गॉट यू। सो यू किड्स हैव बीन इंटरफेरिंग विद आवर मिशन। हा इट्स टाइम फॉर एक्सट्रीम फोर्स। मिस्टी स्टार, यू स्टार मी, नॉक देम अवे। भाई मिस्टी कहाँ घुस गई? मिस्टी कहाँ घुस गई भाई, पता नहीं। चलो चलते हैं हम आगे। और यहाँ पे मिस्टी ने स्टारियो और स्टारमी को यूज करके उन दोनों टीम रॉकेट ग्रंट्स को भगा दिया, तो काफ़ी पावरफुल तो है ही मिस्टी। और लगता है कि मुझे अपने पोकेमोन्स को ट्रेन करना पड़ेगा, हालांकि मेरे पास वॉल्ट्स है जिसके पास एडवांटेज होगा सेरुलियन सिटी जिम में। तो यहाँ पे गाइस चलते हैं आगे, और यहाँ पे लगता है एक और बैटल होगा, तो बात करते हैं। You are the one responsible for hurting our comrades. Let's teach them a lesson, Jess. Your Pokemon look tired. Let me heal them. ये मिस्टी ने कैसे मेरे पोकेमोन्स को हील कर दिया यार? इसके अंदर क्या नर्स जॉय छुपी हुई है, या पोकेमोन सेंटर, या ये एक चैंसी है? वाओ मेरा क्रिएटिविटी, मेरा इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो यहाँ पे टीम रॉकेट डुओ ने भेजा है ग्रीमर और शैंसरियो को, जो कि लेवल 20 के हैं दोनों ही, और मैंने भेजा है हैजर्ड और ग्रेजन को। तो यहाँ पे गाइस पहले मैं हिप्नोसिस यूज़ करता हूँ, क्या यूज़ करूँ, पहले मैं बबल बीम यूज़ करने वाला हूँ शैंसरियो के ऊपर, क्योंकि वो सुपर इफेक्टिव होगा क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। तो देखते गाइज वो एक बार में डाउन होता है क्या नहीं। तो ओके गाइज सेंशु डाउन हो गया, ये सुपर इफेक्टिव मूव था। तो अब देखते हैं ग्रीमर का क्या हाल होता है। मैंने ग्रीमर को पॉइजन देने का फैसला किया है, बट मुझे डाउट है कि ग्रीमर पॉइजन्ड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे लीच सीड, ओके मैंने लीच सीड यूज़ किया था, वाओ मैं भूल गया, वाओ। तो यहाँ पे ग्रीमर वास सीडेड, और यहाँ पे ग्रीमर यूज़ कर रहा है मिनिमाइज। तो अब ग्रीमर मिनिमाइज़ तो यूज़ कर रहा है, लेकिन ग्रीमर सीड भी हो चुका है, जिससे उसका हेल्थ कम होगा और उसका हेल्थ का थोड़ा सा एचपी हमारे ग्रीजन को मिल जाएगा। यस तो अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ हिप्नोसिस यूज़ करता हूँ मैं ग्लूम के ऊपर, और टेक डाउन यूज़ करता हूँ। पॉइजन मैं यूज़ करूँ क्या एक बार? पॉइजन से इफेक्ट पड़ेगा ना ग्रीमर को, अगर पड़ता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं पड़ता तो मेरे लिए, मुझे लग रहा है ग्रीमर के ऊपर पॉइजन पाउडर यूज़ नहीं करेगा, मुझे पता था अफेक्ट नहीं करेगा ग्रीमर को क्योंकि वो एक पॉइजन पोकेमॉन है, तो मुझे लगा था। तो यहाँ पे ग्लूम सो चुका है। यस अभी मैं ग्लूम के ऊपर एकदम दबा के वाटर गन, आइस बीम, बबल बीम, सॉरी वाटर गन नहीं, आइस बीम वगैरह यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ग्रीमर का एचपी काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, और उसका सारा एचपी हमारे ग्रेजन को मिल रहा है क्योंकि हमने यूज़ किया था लीच सीड। तो यहाँ पे देखते हैं मैं बॉडी स्लैम यूज़ करने वाला हूँ ग्लूम के ऊपर, और टेक डाउन यूज़ करने वाला हूँ मैं ग्रीमर के ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है इन दोनों का। तो यहाँ ग्रेजन यूज़ कर रहा है टेक डाउन ग्रीमर के ऊपर, जिससे उसका एचपी चला गया येल्लो पे, लेकिन ग्रेजन ने रिकॉयल के साथ हिट किया जिससे उसका थोड़ा सा एचपी कम हो गया, लेकिन ये एचपी रिस्टोर हो जाएगा कैसे, क्योंकि मैंने ग्रीमर के ऊपर लीच सीड का इस्तेमाल किया था जिससे उसका एचपी कम हो जाएगा और उसका एचपी हमारे ग्रेजन को मिल जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हो जो हो रहा है, ग्रेजन का एचपी फुल हो गया और ग्रीमर का एचपी थोड़ा घट गया। तो यहाँ पे मैं बबल बीम यूज़ करने वाला हूँ ग्लूम के ऊपर, एंड आई डोंट थिंक कि ग्लूम पे ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि ग्लूम एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है। तो यहाँ पे देखते गाइज कैसा इफेक्ट देता है ये ग्लूम को। वैसे ग्लूम तो सोया हुआ है भाई, वो मस्त से सोया हुआ है, उसको
फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है मेरे साथ। वो फेंट भी हो जाएगा लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या मेरे साथ। वाह ये मज़ा आएगा, ग्लूम पूरा मैच सो रहा है। वाह ये मतलब हिप्नोसिस कमाल का है। हैज़र्ड के मूव्स थोड़े बहुत ठीक है, ग्रेजन के मूव्स बिल्कुल ठीक नहीं है। एक लीड सीड है जो कि काम कर रहा है, एक सोलर बीम है लेकिन वो भी एक बार काम नहीं करता, थोड़ा टाइम लगता है सोलर बीम में। तो सोलर बीम करने से पहले कोई दूसरा ओपोनेंट जो ओपोनेंट होता है वो हिट कर देता है ग्रेजन को, तो यहाँ पे डैमेज मिल जाता है ग्रेजन को ही। एनीवेज हमने हरा दिया ग्लूम को, ग्लूम सो गया यार, उसे पता ही नहीं चला क्या क्या हुआ उसके साथ। और यहाँ हैज़र्ड चला गया लेवल 28 पे, और यहाँ फारफेच आ चुका है लेवल 20 का। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि फारफेच को भी सुला देता हूँ हिप्नोसिस करके, अगर ऐसा हुआ तो फारफेच भी सो जाएगा और इसे भी पता नहीं चलेगा कि इसके साथ क्या हुआ। तो मज़ा आएगा गाइस, देखते क्या होने वाला है अभी। वैसे हिप्नोसिस तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, काफ़ी सारे पीपीज है इसके। तो यहाँ पे गाइस टेक डाउन डिसेबल है, ओ शिट, तो टेक डाउन डिसेबल कर दिया ग्रेजन का। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ सोलर बीम। देखो यार ग्रेजन के मूव सेट्स उतने अच्छे नहीं हैं, पिकाचू के अच्छे हैं, हैज़र्ड के अच्छे हैं, लेकिन ग्रेजन के अच्छे नहीं हैं। तो यही दिक्कत है यार, मुझे ग्रेजन के लिए कुछ अच्छे मूव सेट्स लाने पड़ेंगे, जैसे कि वाइन विप अगर होता तो थोड़ा ठीक होता, या फिर कोई दूसरा मूव। देखते गाइज मिलेंगे, काफ़ी सारे मूव्स मिलेंगे। अभी इसका सेकंड इवोल्यूशन चल रहा है एविसोर, अगर ये इवॉल्व होगा विनोसोर में तो काफ़ी अच्छे अच्छे मूव्स आएंगे इसके पास। तो यहाँ पे देखते गाइज क्या हो रहा है, यहाँ पे फारफेच तो सो चुका है आप देख सकते हो, और देखते गाइज यहाँ पे फाइनली ग्रीमर भी फेंट हो चुका है। तो यस अभी टीम रॉकेट भेज रहे स्नीजल को, जो कि एक आइस टाइप पोकेमोन है, और इसके ऊपर बबल बीम सुपर इफेक्टिव होगा आई गेस। तो चलो यूज़ करके देखते क्या होता है इसका हाल। ओके तो यहाँ पे बबल बीम से इसका एचपी चला गया, काफ़ी अच्छा तो नहीं गया लेकिन ठीक ठाक गया, येल्लो पे नहीं गया, येल्लो पे चल जाता तो मैं कहता कि हाँ अच्छा गया, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पे फारफेच सोया हुआ है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। और अभी ग्रेजन यूज़ करे सोलर बीम फारफेच के ऊपर, आई मीन स्नीजल के ऊपर सॉरी। तो स्नीजल ख़त्म, यस ये हुई ना बात। तो यहाँ पे फारफेच तो सोया हुआ है, इसे पता नहीं चलने वाला कि क्या क्या होगा मेरे साथ। तो यहाँ पे ग्रेजन का डिसेबिलिटी बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं यूज़ कर सकूँगा टेक डाउन। तो यहाँ पे मैं टेक डाउन यूज़ करता हूँ फारफेच के ऊपर, और हैज़र्ड बाय द वे यूज़ कर रहा है आइस बीम फारफेच के ऊपर। तो यहाँ पे फारफेच का एचपी रेट पे गया, और अभी ग्रेजन यूज़ करने वाला है टेक डाउन, जिससे वो फाइनली एकदम फेंट हो जाएगा। और लो फेंट हो गया, यस ये हुई ना बात। तो शायद से इनके पोकेमोन्स ख़त्म हो चुके हैं, और लगता है कि मैं जीत गया। यस हमने हरा दिया टीम रॉकेट डुओ को। ओह नो वी लॉस्ट, वी शुड रन चेस। एग्री जिमी, तो हमने हरा दिया टीम रॉकेट डुओ को। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर जिमी, लुक्स लाइक जेस एंड जेमी आर रनिंग ऑफ अगेन। मुझे लग रहा था कि ये जेसी एंड जेम्स है, मींस एग्जैक्टली जेसी एंड जेम्स तो नहीं कह सकते उनके पूर्वज है। तो यहाँ पे गाइज हमें मिल चुका है सुपर पोशन, तो चलते गाइज। मुझे लग रहा था स्टार्टिंग से कि ये लोग जेसी और जेम्स है। ओ ये क्या हुआ, वी आर रियली क्लोज टू द एग्जिट। व्हाई इफ इट इजंट टॉम सॉयर एंड लिटिल पैकी इन द केव। यू आर टीम रॉकेट, ओ हु आर यू। Well, I guess I owe you an answer, so let's do it. I challenge you. So guys, यहाँ battle start हो चुका है मेरे और Team Rocket के पता नहीं किस member के बीच। तो इसके पास कौन सा Pokemon है, Rhyhorn है इसके पास। Okay, तो level 22 का Rhyhorn है, और हमारे पास है Hazard जिसके पास advantage है इसके against। तो पहले मैं इसे सुलाऊंगा hypnosis करके, और फिर इसके ऊपर मैं use करने वाला हूँ water gun। तो ये सो चुका है, तो अब मैं use करूँगा water gun। तो बस मुझे मौका मिले, यस तो बबल बीम करते हैं, सॉरी वाटर गन तो मैंने रिमूव कर दिया, बबल बीम, यस बबल बीम करते हैं और देखते हैं बबल बीम से क्या डैमेज पड़ता है। यस ये फेंट हो गया, ये सुपर इफेक्टिव मूव था। तो हमने हरा दिया टीम रॉकेट के पता नहीं कौन से मेंबर को। हाहा आई विन, माय पोकेमोन मे नॉट लुक लाइक मच बट दे श्योर आर पावरफुल। This takes me back to when I was a child. Now let me show you the cruelty of adults. What is he injecting into his Rhyhorn? It's in a lot of pain. What? The injection made his Rhyhorn evolve into a Rhydon? My Gyarados, is that what you did to it?
How should we know? Do you think we remember every Pokemon we experimented on? You arrogant! Stand, you attack! It's working! Dear me, do you really think such weak attack can hurt Rhydon? Rhydon! Horn drill! Misty! You will pay for this! Perhaps some other lifetime. Rhydon, kill him! So guys, यहाँ battle start हो चुका है मेरे और वापस से उसी Team Rocket के member से, और पता नहीं मुझे क्यों ये Team Rocket का member नहीं लग रहा, मुझे ये कोगा जैसा लग रहा है जो Fuchsia City का gym leader है, पता नहीं क्यों। बट यहाँ पे Rhydon आ चुका है गाइज, उसने कोई इंजेक्शन दिया Rhyhorn को जिससे वो इवॉल्व हो गया Rhydon पे, तो पता नहीं भाई क्या माजरा, यहाँ के Team Rocket थोड़े ज़्यादा ही खतरनाक है। तो यहाँ पे मैं वापस से यूज़ करने वाला हूँ बबल बीम, एंड आई थिंक कि बबल बीम से ये एक ही बार में फेंट हो जाएगा, तो देखते गाइज। यस, ये फेंट हो गया, ये सुपर इफेक्टिव मूव था। तो अब देखते गाइज ये क्या कहता है मुझे। तो हमारा हैज़र्ड गया लेवल 29 पे, यस, काफ़ी जल्दी जल्दी हमारा लेवल अप हो रहा है। हा हा, आई विन, वापस मैंने वही कहा। तो अब देखते क्या कहता है ये। द एंटायर माउंट मून इज शेकिंग। हाँ, तो मुझे मून स्टोन मिल गया गाइस, तो अब क्या करना है हमें। ओ, मैं तो भाग गया, वाओ वाओ वाओ। What happened? Huh? Who you think you are creeping? What was that for? I'm sorry. I thought you were trying to... Wait. What happened to that guy? And it's Rhydon. Ha ha ha. You should have seen me in there. I nailed it Rhydon easily. It's impressive, but without the Moonstone, we might as well have lost. If you would let me finish my story, I have the Moonstone as well. What? When did you? How did you? It was just lying on the floor when the cave was collapsing. Now let's head to Cerulean City. Ha ha ha, let's go. End of Mount Moon chapter, chapter 7, Cascade Batch chapter begins. तो guys, लगता है कि अब वक्त आ चुका है Misty से बैटल करने का। तो इधर क्या है, मैं जाके चेक करता हूँ। इधर तो कट यूज़ करना पड़ेगा, तुम जा नहीं सकते उधर। तो यहाँ जाके देखते guys, लगता है Cerulean City पास में, तो इससे बात करते हैं। My wife passed away a while ago. We never had any kids, but I always knew she wanted one. She treated these abandoned sparrows like her own children. When she was alive, she would constantly ask me whether we could adopt them. I said no. I said no. I should have said yes, but now she's gone. Oho, bhai, काफी बुरा लग रहा है इसके लिए, but हम कुछ नहीं कर सकते। RCS कर सकता है, RCS को बोलो, वो ज़रूर तुम्हारी वाइफ को वापस ज़िंदा कर सकता है। तो यहाँ पे गाइस पोकीबॉल है, तो मेरे पास एक रैपल है ना, तो मैं रैपल यूज़ करता हूँ और जाके देखता हूँ कि उस पोकीबॉल में क्या है। मैं जानता हूँ, ओ, दो दो रैपल्स है मेरे पास, चलो सही है। तो यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ कि उस पोकीबॉल में क्या है, हो सकता है कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए। तो ऑरेंज बेरी मिल गया, तो ये सही चीज़ है, मैं अपने किसी एक पोकीमोन को दे सकता हूँ, तो ये बैटल में काम आ सकता है। तो चलते आगे, और इधर तो कुछ नहीं है, तो चलो गाइज लगता है हम पहुंचने वाले हैं Cerulean City। लो पहुंच गए। ओ भाई, यहाँ बारिश हो गई आते साथ ही। Phew, we are finally here at Cerulean City. All right, I am gonna go ahead. Meet me at my place. See you later. Wait, I don't know where your house is. Okay, तो यहाँ पे Misty ने कहा कि मेरे घर पे आ जाओ, लेकिन मुझे पता ही नहीं उसका घर कहाँ पे, तो मैं क्या करूँ यार। ओ भाई, वो क्या है, ओ भाई, ये क्या चीज़ है, What the heck was that? भाई वो क्या था, भाई वो, ये तो असली साइडक है, लेकिन भाई वो क्या था यार। मैंने कोई लेजेंडरी पोकेमोन देखा, लेकिन वैसा पोकेमोन मैंने आज तक नहीं देखा कभी भी यार, वो क्या था। गाइस, अगर आपको पता है वो क्या था तो प्लीज़ बताओ। वैसे काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, मैं नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहो अल्टीमेक्स रेसबी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।